बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के 12 चट्टी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी बाल कुमार मांझी अपने क्षेत्रों में लोगों से मिलकर कीमती वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्य पर लोगों को विस्तारपूर्वक जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा से आगे रहने वाले पप्पू यादव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाराचट्टी विधानसभा के प्रत्याशी बाल कुमार मांझी ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप अपना कीमती वोट देकर वैसा प्रत्याशी को जिताने का काम करें जो आपका क्षेत्र का विकास कर सके। अधिकार पार्टी की ओर से जितने भी गरीब के हितों में काम किए जा रहे हैं और उसके आधार से हमें भी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया जा रहा है, तो हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम जो पहले से बहुत पुराने मुहाना जलाशय परियोजना है, बरंडी बराज है, मनवा जोड़ है और ऐसे ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर के प्राथमिकता के साथ उसके साथ ही साथ हम अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी विशेष रूप से ध्यान दे करके और उसके सारे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का मतलब पूरी तरह से कोशिश करते हुए और प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द सारी सुविधाएं दुरुस्त हो जाए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे आ रहे हैं। लोगों से किस तरह से वोट मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शिक्षित हैं? हाँ, हम लोगों से यही कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने 30 साल देखा तो 3 साल का समय मांगा जा रहा है, तो 30 साल बनाम 3 साल में आप परिवर्तन करके देखिए, क्योंकि बिना बदले तो कुछ नयापन में आता नहीं है। इसलिए नया करिए, नया करने से ही विकास होगा और जो ठगी का शिकार होते जा रहे हैं हम भी हुए हैं और इसी का विरोध करते हुए हम आप लोग के साथ आपके विकास के लिए तत्पर रहेंगे और खड़े हैं। इसलिए हमें आप सब वोट करें, जिताएं, आगे भेजें ताकि आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए जन अधिकार की हम आवाज़ बुलंद कर सकें।